शराब दुकान का रहवासियों ने विरोध शुरू कर दिया है। इसके चलते रविवार को रहवासी दुकान के सामने जमकर नारेबाजी किए। यही नहीं, लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि दुकान बंद नहीं की गई तो वो खुद इस पर ताला डाल देंगे। मध्य प्रदेश सरकार की शराब नीति का विरोध कांग्रेस और खुद भाजपा ही कर रहे हैं। विरोध स्वरूप पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी भोपाल में शराब दुकान पर पत्थर फेंक चुकी हैं। वहीं अब खुद भाजपा से जुड़े कार्यकर्ता भी इंदौर में खंडवा रोड स्थित दुकान के विरोध में उतर गए हैं। रविवार को इन लोगों ने रहवासियों के साथ मिलकर दुकान में घुसने की कोशिश की, लेकिन उनकी दाल गल नहीं पाई। इधर मौके पर मौजूद पुलिस बल और अधिकारी ये पूरा तमाशा देखते रहे। इधर रहवासियों ने स्कूल, कॉलेज और मंदिर के पास खोली गई शराब दुकान को लेकर नारेबाजी की। चर्चा में स्थानीय रहवासियों ने कहा है कि अगर उक्त दुकान 4 दिनों में बंद नहीं की गई तो फिर खुद रहवासी ही इसे बंद कर देंगे। उनके मुताबिक दुकान की वजह से रहवासी बहुत परेशान हैं। और ये धरना प्रदर्शन हम पिछले 4 दिनों से लगातार यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो शराब दुकान है काफ़ी समय से यहाँ पर चल रही है और हम सभी लोगों की, खंडवा रोड रहवासी संघ की एक ही मांग है कि ये दुकान यहाँ से बंद करके कहीं और स्थानांतरित कर दी जाए। क्योंकि शराब दुकान के सामने आप देख रहे हैं क्वींस कॉलेज है, HDBS तमाम सारे स्कूल कॉलेजेस हैं, रहवासी संघ यहीं से गुजरता है। खंडवा रोड का निर्माण चल रहा है, रोड वैसे ही शॉर्टेज है। आए दिन कल या परसों की घटना है, पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो भी गिर गए थे। दिन में 4-5 एक्सीडेंट के सीनेरियो हम लोग देख रहे हैं 3-4 दिनों से। हमारी शासन प्रशासन से एक मांग है, आज हम एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। कल हमने शाम को हनुमान चालीसा का पाठ किया था। हम शराब ठेकेदार को एक अल्टीमेटम देते कि आने वाले 1 से 2 दिन में यदि ये शराब दुकान बंद नहीं होती है तो समस्त खंडवा और रहवासी संघ स्वयं यहाँ पर उपस्थित होकर ये शराब दुकान बंद करवाएगा। कसरावद में बीती रात सायता गांव में अवैध रेत से भरे एक ट्रैक्टर से कुचल जाने से युवक की मौत के बाद जय स्तंभ चौराहे पर शव रखकर परिजनों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, हंगामा किया। वहीं नाराज लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रामीण युवक गौतम सांवले बाइक से घर लौट रहा था। इस दौरान अवैध रेत का परिवहन कर रहे ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मारकर कुचल दिया और ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों में अवैध रेत खनन को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। खदानों की नीलामी नहीं हुई है, उसके बाद रात के अंधेरे में रेत माफिया अवैध उत्खनन कर रहे हैं। शव रखकर चक्का जाम की सूचना मिलते ही कसरावद SDM संगप्रिय सहित पुलिस अमला मौके पर पहुंचा। परिजनों का आरोप था कि हादसे में शामिल ट्रैक्टर के बजाय दूसरे ट्रैक्टर को पुलिस जब्त कर लाई है। आरोपी पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अवैध रेत का उत्खनन प्रतिबंध के बाद हो रहा है। हंगामे प्रदर्शन के बाद करीब 1 घंटे से अधिक समय के बाद SDM की कार्यवाही का आश्वासन के बाद नाराज परिजन शव लेकर गए। इधर SDM का कहना है कि ग्राम सहायता की घटना पर कार्यवाही की जा रही है, आरोपियों को पकड़ लिया है और ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया है। इनके साथ मेरा भाई किराना सामान लेके घर जा रहा था और ये रेत चोर उधर रेत चोर आ रहे थे। मुकेश मालवी का ट्रैक्टर आ रहा था। क्या भरा था उसमें? उसमें भरी थी रेत। अच्छा, बालू रेत भरी थी। एक करण माफिया है, रेत चोर है, ये उधर से स्पीड में ट्रैक्टर लेके आ रहे थे। इन्होंने मेरे भाई को ट्रैक्टर मारा और भग गए और फरार हुए। जब इनके घर हम गए, हमारे पास 10 मिनट के बाद फोन आया कि फलाने फलाने नंबर की गाड़ी है, तुम्हारा भाई का एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हारा भाई है, हमारे कसरावद में काम करने आता है, हमारे गाँव के छोरे तो काम करके जा रहे थे। उन्होंने फ़ोन लगाया मेरे को, बोले कि तुम्हारा भाई का एक्सीडेंट हो गया। जब हम उधर से आ रहे तो देखा तो उसका ट्रैक्टर भी गायब है, सब गायब है। और उसके ड्राइवर को हमने पकड़ लिया। गांव में पूछ ले किसका ट्रैक्टर गया था, बोले वो किस मालवी का ट्रैक्टर गया था। तो उसको पकड़ा, वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा, बल्कि वो फोन लगा रहा उसके ड्राइवर को और बोले तू कहाँ है, वहाँ से भग जा, तू कहाँ है वहाँ से। इसमें जो घटना हुई है, इसमें ग्राम सहायता में एक जो है हमारे ग्रामवासी है वो अवैध परिवहन करता हुआ ट्रैक्टर है उसके द्वारा एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। जैसा कि फिर उसके विरोध में कुछ उनका कहना था परिजनों का कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो आरोपियों के विरुद्ध सक्षम कार्रवाई नहीं करी जा रही, जिसके संबंध में मैं आपके माध्यम से सभी को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो सभी प्रकार की कार्रवाइयाँ हैं, जो आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया जा चुका है और जो ट्रैक्टर है वो भी पकड़ा गया है और साथ ही जो आरोपी हैं उनको भी पकड़ा जाकर थाने में उनको रखा गया है। तो जो भी नियमानुसार जो प्रकरण बनाया गया है वो सभी बिल्कुल नियम से है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया गया है। जो भी नियम है उन्हीं के तहत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अवैध परिवहन और उत्खनन का भी केस बनाया जाकर खनिज विभाग को भेजा जा रहा है।